हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम काम करेंगे फैन ब्लोअर्स पे। ये दो फैन ब्लोअर्स हैं, एक पोर्ट एक स्टवर। हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक वक्त में एक ही फैन चले, तो हम इन दो फैंस के बीच में एक सेप्टर स्विच लगाएंगे, जिसकी वजह से अगर दोनों फैन के ब्रेकर ऑन भी हों पर एक वक्त में एक ही मोटर रन होगी। जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वही मोटर चलेगी। ये सिंगल फेस की मोटर है, 220 सप्लाई है इसकी सिंगल फेस। इसकी रेटिंग 220 वोल्ट सप्लाई है, 4.08 एम्पेयर करंट है इसका। ये एक बोर्ड पे फिटेड है और इसका इंजन जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, बड़ा नहीं है। इस वजह से हम एक सिलेक्टर स्विच लगाएंगे इसके दरमियान कि एक वक्त में एक ही मोटर स्टार्ट हो। अगर कोई बाय मिस्टेक भी गलती से दोनों इनके ब्रेकर ऑन कर दे तो फिर भी मोटर स्टार्ट ना हो, एक वक्त में एक ही स्टार्ट हो। चले, मैं आपको इसके ब्रेकर कंट्रोल पैनल दिखाता हूँ। ये इसका 220 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल पैनल है। एक साथ अगर दोनों ब्रेकर ऑन कर देंगे, दोनों मोटर रन करेंगे। हमें चाहिए कि अगर दोनों ब्रेकर भी ऑन हो तो एक वक्त में एक ही मोटर काम करे। ये बोर्ड का इंजन है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा इंजन है ये इस बोर्ड का। जनरेटर इंजन, ये इसका इंजन वाली साइड है और ये इसका जनरेटर वाली साइड है। ये कमिंस का जनरेटर है, आप देख सकते हैं कमिंस का कंट्रोल लगा हुआ है। ये इसका जनरेटर है, ये देखें गाइस, ये इसका जनरेटर इंजन है जो कि बहुत ही छोटा है। इस वजह से अगर दोनों मोटर्स एक साथ एक वक्त में चलेंगी तो और भी मजीद चीज़ें हैं, एसी है, बिल्ट पंप है, और भी चीज़ों का लोड है। तो इस वजह से हमने एक स्विच लगा के उसको सेपरेट करना है कि एक वक्त में एक ही मोटर रन करे। तो उसके लिए हम एक स्विच लगाएंगे और स्विच के थ्रू कंट्रोल करेंगे ऑफ पोजीशन और पोर्ट पोजीशन और स्टॉपर पोजीशन। जिस पोजीशन पे स्विच होगा उसी पोजीशन पे मोटर वो ही रन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये कमिंस का जनरेटर इंजन है, ये उसका कंट्रोल लगा हुआ है, बहुत ही छोटा है इंजन। चलें अब ऊपर चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ये इसका पैनल खोल लिया है हमने, इसमें ये ब्लोअर और ये ब्लोअर 5 और 6, ये वायर है इसकी 5 और 6। ये वायर हम लोग इसकी खोल के सिलेक्टर स्विच पे दे देंगे और सिलेक्टर स्विच से इस पे दे देंगे। जैसे हम ब्रेकर कर ऑन करेंगे, ये इसकी कॉमन है। पांच नंबर, ये 6 नंबर, ये 2 बार, ये 2 बार फोन जो है निकाल के स्विच पे दे रहे हैं। गाइस, ये स्विच है इसका जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसको। ये एक डबल पोल स्विच है, सेंटर में इसकी ऑफ पोजीशन है और एक राइट सिलेक्शन है, एक लेफ्ट सिलेक्शन है।
यहाँ पे हम होल करके इस स्विच को फिट कर देंगे और इसको ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं आपको बोर्ड का कंट्रोल दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल एसेसरीज वगैरह लगी हुई हैं। ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये टाइमर रिले है, ब्रेकर हैं, ये कॉन्टैक्टर हैं, ये और ये कॉन्टैक्टर हैं, ये पावर सप्लाई, ये सब कंट्रोल मॉड्यूल है। ये फ्यूज हैं इसके, हैं ब्रेकर्स, कॉन्टैक्टर्स, फ्यूज, पावर सप्लाई, ये जो के इसके किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगर आपको मज़ीद इनके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन सब कंपोनेंट के बारे में, एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करते हैं, पावर सप्लाई किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और ये ब्रेकर अमूमन फ्यूज की जगह हम ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि फ्यूज उड़ जाता है जबकि ब्रेकर सिर्फ ट्रिप हो जाता है। चलें अब इसमें होल करते हैं, हम ड्रिल मशीन की मदद से होल बनाते हैं सिलेक्टर स्विच को इंस्टॉल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये ड्रिल मशीन के आगे होल सा लगा हुआ है, इसे हम होल सा कहते हैं, जिसकी मदद से हम इसमें सुराख कर रहे हैं। ये एक एल्युमिनियम की प्लेट है तो इजी इसकी मदद से इजी सुराख हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के होल साज आते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप होल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस ये कितनी सफाई से एक अच्छा होल हो गया है। ये मोटर का होल सा है जिसकी मदद से अभी हमने सुराख किया। ये डिफरेंट टाइप के होल्स आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसके हिसाब से इसका होल कर दिया है। ये वायर्स हमने इसकी वायर हमने डिसकनेक्ट कर दी हैं ब्रेकर की और वो स्विच पे दे दी हैं और ये दो वायर हमने स्विच से यहाँ पे कनेक्ट करनी है। अभी हम आपको स्विच करके दिखाते हैं, स्विच को कनेक्ट करते हैं हम ब्रेकर के साथ। वो देख सकते हैं गाइस हमने रेड वाली जो कि ब्रेकर पे वायर्स थी वो निकाल के स्विच पे लगा दी हैं और ये दो ब्लैक वायर लगाई हैं जो कि ब्रेकर से ला के स्विच पे दे दी हैं। ब्लैक वाली वायर मेन सप्लाई है और जो रेड वाली वायर है वो मोटर पे जा रही है, तो जिस वक्त में हम जो पोजीशन सेलेक्ट करेंगे उस वायर पे सप्लाई पास होगी और मोटर रन हो जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस हमने स्विच को इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर, ये स्विच यहाँ पर फिट है और सफाई के साथ एक फिट हो गया है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को भी दोबारा से क्लोज कर दिया है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कांडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी हर क्यूरी का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये देखें ये स्विच की सिलेक्शन, ये फोर साइड, ये ऑफ पोजिशन, ये स्टेपर साइड, ये अगर दोनों ब्रेकर ऑन भी होंगे एक साथ तो मोटर दोनों रन नहीं करेगी। जो सेलेक्ट करेंगे हम स्विच की पोजीशन वही साइड की मोटर रन करेगी। अगर पोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो पोर्ट रन करेगी, स्टेबल सेलेक्ट करेंगे तो स्टेबल, ऑफ पोजीशन में ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।